अंदर से घूम सकते करके। बहुत जबरदस्त ये कथ वनान वनान गिन मे हम जुबैर अहमद डार हैं। ये ताजमहल हमने पिछले 15 दिन से बना रहे हैं हम ये, और ये ताजमहल कम इग्लो हैं, इसमें बैठ भी सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। ये पहला होगा दुनिया का जिसमें ताजमहल और इग्लो एक साथ हैं। हमें इसमें बनाने में हमें 15 दिन लगे। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी बहुत लो रहा यहाँ पे, इसके बाद बर्फ़ की स्पेल भी आई बीच में, 2-4 फीट बर्फ़ भी गिरी, उसमें भी हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े बहुत। हम आर्टिस्ट 2-3 आर्टिस्ट थे हम, और बाकी लेबर का काम। हाँ, विंटर टू वो तो ऑलरेडी बूस्ट हुआ जब जो ही हमने स्नो कार्ड बनाया था यहाँ पे सोनमर्ग में 10-15 दिन पहले, वो बहुत फेमस हुआ, वायरल हुआ था और बहुत टूरिस्ट आने लगी। उसके साथ ही हमें ये डिमांड आई कि आप यहाँ पे कुछ और बनाइए जिससे कि टूरिस्ट अट्रैक्ट हो, फिर इसलिए हमने ये स्नो ताजमहल बनाया। बिल्कुल, जैसा कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ पर स्की ट्रैक लिफ्ट का उद्घाटन किया, और यहाँ के जो हमारे स्नो बाइक एसोसिएशन वाले हैं उन्होंने यहाँ पर मिलकर यहाँ पर ताजमहल यहाँ पर बनाया है स्नो स्कल्पचर से, जो कि इको फ्रेंडली भी है। तो सोनमर्ग जो है एक इको फ्रेंडली डेस्टिनेशन की तरह बहुत बड़े स्तर पर अभी आने वाला है, और मैं सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इस बार से सोनमर्ग हमारा 12 महीने खुला रहा है, ऐसे ही आगे भी खुला। प्रशासन के लिए तो अचीवमेंट है ही, इससे ज्यादा मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि यहाँ पर लोगों का जो रोजगार है वो पूरे साल चलता रहा है, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। ये कथ वनान वनान के सीन में